तो वेलकम बैक दोस्तों, बीजेम गेमर्स के एक और कस्टम रूम में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई हमारे 100 बंदे ऑलरेडी हो चुके थे, तो देखते हैं 97 तो दिखाई दे रहे हैं अभी। शायद 3 बंदों का कुछ ग्लिच है, या शायद 3 बंदे निकल गए। तो देखते हैं 100 बंदे हो गए या फिर वाकई में चले गए। तो भाई 3 बंदों का तो कुछ पता नहीं भाई, 97 तो अभी शायद हमें दिखाई दे रहे हैं। तो भाई 97 ही हो गए, 3 बंदे निकल गए। तो भाई देखते हैं कौन रैंडम हो गए। भाई अब्दुल तो 3 नंबर 13 के अकेले बंदे हो गए भाई, सोलो हो गए। तो यूनिटी गुलजार की टीम आ चुकी है किल शॉट की टीम, आईएनडी मुजू भाई। टीम नंबर 1 भाई शायद लेक्सा वाइपर की टीम है, एक्वा जादव। टीम नंबर 2 अब हैदरा। तो प्लेन पाथ की भी एक बार बात कर लें तो भाई मेल्टा और नो के बीच से होता हुआ क्वेरी और प्राइमस के बीच निकलता हुआ, तो काफ़ी सारी डेस्टिनेशन मतलब मेल्टा पावर, मेल्टा शेल्टर, लिपोविका, नो मिलिट्री बेस। भाई पोचिंग की भी टीम जा सकती है भाई, अगर कोई जॉर्जो पुल जाना चाहता है तो उन्हें गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं, रोजक भी जा सकते हैं भाई, काफ़ी सारी टीम रोजक भी जा सकते हैं, यसनाया जा सकते हैं, काफ़ी सारे डेस्टिनेशन है। तो अपने अपने बंदे अपने अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो भाई रूम तो स्टार्ट हो गया भाई, 97 बंदे ही आ पाए हमारे। तो भाई शायद लैंडिंग तो बन रहा है एवीजी की टीम, टीम नंबर 25, टीम नंबर 16 ऑलरेडी जंप कर चुके हैं। तो भाई क्रॉन शोए उनकी टीम टीम नंबर 21 मेल्टा की तरफ जा रही है। तो यूनिटी सैम की टीम और टीम नंबर 11 भाई मिलिट्री बेस जाएंगे, मतलब टीम नंबर 11 भाई पोचिंग की तरफ जाएगा। असिड विजार्ड इनके साथ टीम नंबर 20 वो भी शायद मिलिट्री बेस ही जाएगी। टीम नंबर 19 भाई काफ़ी लेट हो चुका है बंदों का, मतलब मिलिट्री बेस जाती थी हमेशा, तो शायद आज वो जाएंगे जॉर्जो मतलब पोचिंग की तरफ भी, इनका रूट नहीं है तो शायद जा सकते हैं ये जॉर्जो सिटी या फिर जॉर्जो के जो कंटेनर वाली सिटी है वहां पर जा सकते हैं। टीम नंबर 23, 19 रेड की टीम, अब्दुल लेक्सा वाइपर टीम नंबर 1 तो प्राइमस को जा रही है। तो टीम यूनिटी, तो भाई यूनिटी अकेली टीम भाई मिलिट्री बेस गई, तो भाई इन्हें काफ़ी सारी अच्छा मौका है इन्हें लूट करने का, मतलब इन्हें कोई कंपटीशन नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ये आराम से लूट कर सकते हैं यहाँ पर मिलिट्री बेस में। तो बाकी टीमों की बात करें भाई, टीम नंबर 25, टीम नंबर 16 काफ़ी करीब हैं, तो भाई इनके बीच में फाइट होने का, तो एवीजी की टीम भाई मेल्टा पावर जो अपनी फैक्ट्री कुछ बोलते हैं वो टीम नंबर 5 इनके सामने है, तो ऑफलाइन खड़े हैं भाई बंदे, क्या ही बात है। एसिड विजार्ड की टीम नंबर 20 भाई पोचिंग के में उतरते हुए, तो भाई इनके सामने है टीम नंबर 18 जो कि रईस हाइड्रा यासीन हाइड्रा कोविड भाई कोविड-19 पे आ चुके हैं। 90s बिलाल इनके साथ आज रोंडो में आ गए भाई, इनके एक्वा जादव, एक्वा की टीम भी भाई यहाँ पर पोचिंग के में अभी उतरी हुई है। तो टीम तीन टीमें भाई पोचिंग के अंदर लूट करते हुए, अमित टीम नंबर 24 मतलब आईएनडी मुजू इनके साथ होते हैं, तो भाई इनकी टीम भी आज पोचिंग की आ चुकी है। तो भाई देखते हैं फाइट, सबसे पहले फाइट कहाँ पर चलती है। तो भाई टीम नंबर 19 जैसा कि जॉर्जो सिटी चली गई भाई लूट करने के लिए, तो पूरी तरह पहुँची नहीं, तो हॉस्पिटल वाले पीछे के एरिया में उतर चुकी है। तो भाई टीम नंबर 8 जो कि ताहिर 77 दबंग फत्ते इनके साथ हैं, टोकीर डी। तो भाई आपस में गाली गलौज ना करें भाई, क्योंकि एक हमारा एक भाइयों जैसा कस्टम रूम है, तो भाई अपने भाइयों की तरह समझे हर एक को, ना मारने वालों को दे गाली दें ना मरने वालों को गाली दें भाई, आपस में सब भाई भाई की तरह खेला करें। मतलब टीम नंबर किल शॉट की टीम है, किल शॉट रही, किल शॉट अलग हैं। तो भाई अभी फिलहाल तो भाई बॉबी डीडी इनके बीच में टीम नंबर 17 जो कि नॉक हो चुके हैं भाई, इनके बीच में प्राइमस में फाइट चल रही है। तो टीम नंबर 1 जीएस और नवीद की टीम, लेक्सा वाइफर टीम नंबर 1 और टीम नंबर 17 के बीच में फाइट चल रही है। तो पहले फाइट इन्हीं के बीच में है, तो भाई इन्हीं को दिखा लेते हैं। किल फील्ड के ऊपर भी थोड़ा नजर डालने की कोशिश करते हैं, मतलब काफी सारे फाइट्स हमसे मिस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो काफी सारे फाइट्स हमसे मिस हो रहे हैं। तो भाई आज कोशिश करते हैं कि सब फाइट को दिखाएं। तो
बैड बॉय भाई इनका नाम है, बैड बॉय। बैड बॉय नॉक पड़े हैं और रॉकी इन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर इनके सामने क्लोज इन कर चुके थे। व्हाइट वुल्फ और यूनिटी बब्लू के बीच में फाइट चल रही है। तो भाई एक्वा पिकाचू इनकी टीम के पास दिखाते हैं, तो यहीं कहीं फाइट चल रही है। तो पहले यहाँ पर दिखा लेते हैं, तो भाई व्हाइट वुल्फ यहीं पर हैं जो कि 07 निहाल पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। मार्वल दादा इनके सामने हैं, तो मार्वल दादा इस कार्यालय ने मिल चुकी है, तो गन काफ़ी अच्छी गन मिल चुकी है। तो इन्हीं के सामने इनकी पेटी पड़ी हुई है, तो देखते हैं एक्वा जैक भी खाली हाथ घूम रहे थे। 90s बिलाल की टीम इनके सामने, 90s बिलाल का एक व्हाइट वुल्फ इनके सामने नॉक पड़े हैं। तो सबसे पहले से रिवाइव करेंगे बंदे मार्वल दादा। जैसे गन की साउंड आएंगे तो थोड़ा हम कमेंट्री स्टॉप करेंगे भाई, क्योंकि जैसे ही गन की साउंड आती है तो साउंड आईवीजी के सामने से भाई क्या ही बात है। फ्लेयर सबसे पहले फ्लेयर गन इन्हें मिली, तो फ्लेयर को लूट चुके हैं बंदे। एवीजी सल्लू, एवीजी मोइन, एवीजी खान, एवीजी उमर जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। इनके सामने कौन सी टीम थी पता नहीं भाई, हम एक्सपेक्टेड नहीं कर पाए। तो भाई देखते हैं टीम नंबर 8 और टीम नंबर 24 इनके काफ़ी सामने। INDI मुज्जू इनके साथ हैं। तो टीम नंबर 8 दबंग फत्ते की टीम इनके सामने है भाई। INDI अमित काफ़ी क्लोज इन कर चुके हैं। टीम अवेंजर भाई टीम नंबर 8 का एक बंदा नॉक पड़ा है, तौकीर डी जो कि ओम पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तौकीर डी इनकी टीम में से यार ओमील शायद अवेंजर पूरी तरह नॉक पड़े हुए हैं। अमित इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं रॉयल मोया इनके साथ हैं भाई। रॉयल मोया तो फिलहाल तो फाइट भाई इन्हीं के सामने चल रही है, तो देखते हैं बाकी फाइट कहाँ चल रही है। तो भाई फिलहाल तो यहीं पर है। दबंग फतेह भी पूरी तरह नॉक रहे, तो 77 अकेले बंदे इनके जो कि अभी भी अलग है। तो पूरी टीम भाई पूरी टीम वाइप हो चुकी है। अवेंजर थोर को आसानी से रिवाइव कर सकते हैं अपने प्लेयर को, तो रिवाइव कर रहे हैं भाई। तो देखते हैं हिंदी में हमें आती नहीं तो भाई कन्नड़ में भी कोशिश कर सकते थे, पर कन्नड़ हमारे काफ़ी बंदों को समझ में नहीं आ रही है और कॉन्फिडेंस हमारा कन्नड़ में ही था, तो हिंदी में कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गलती हमसे हो सकती है, तो भाई हमारी गलती को माफ़ करें। मुबारक भाई, अलाउद्दीन, AJGF, इसहाक इनकी टीम भाई रेड टीम के सामने भाई जो कि जॉर्जो पुल की सिटी में लूट कर रही है। तो भाई इनके सामने रेड की टीम है, तो देखते हैं रेड यहाँ जॉर्जो पुल से कौन सी टीम बचकर निकलती है। तो दो ही टीमें यहाँ पर लूट कर रही है। तो भाई GF इसाक पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं मुबारक भाई की टीम से। तो बाकी फाइट कहाँ चलती है, यूनिटी सैम की टीम काफ़ी अच्छा खेलती है जो कि टीम यूनिटी की टीम भी नई नई टीम काफ़ी 2-3 दिन से हमारी स्ट्रीम में आ रही है, मतलब काफ़ी अच्छा खेल लेती है। मतलब 2-3 दिन पहले इनकी टीम ने एक चिकन डिनर भी हमारे कस्टमर रूम में किया था जो कि 18 किल करके चिकन डिनर का, अगर 20 कल उस वक्त अगर 20 किल करते तो इन्हें मिल सकता था 10 10 10 UC का रिवॉर्ड। तो उस टाइम भाई हमारे लाइव स्ट्रीम में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो आखिरी वाले 6 मिनट की स्ट्रीम हमारी स्किप हो गई। तो भाई इनकी फ़ाइट दिखाने का मौका हमें नहीं मिला। कल भी बायसिड की टीम को पूरी तरह वाइप किया था, तो इनकी फ़ाइट हमारे सामने मिस हो गई, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। टीम नंबर 19 और मुबारक भाई की टीम के बीच में फ़ाइट चल रही है। तो मुबारक भाई, नदीम इनके साथ हैं, AJ, अलाउद्दीन इनके सामने हैं। तो भाई रेड के दो ही बंदे हमें दिखाई दे रहे थे, तो बाकी बंदे कहाँ गए भाई। तो चार पूरी स्क्वाड इनके कैफ जो कि काफ़ी दूर शायद दो दो बंदे ये लूट कर रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा एरिया है भाई रेड का, दो बंदे तो अलग अलग ही उतर गए भाई। कहाँ पर उतरे हैं भाई, ये शायद ये गटका वाली सिटी है। तो मतलब दो बंदे इनके जॉर्जो सिटी में फ़ाइट ले रहे हैं। एक्वा जोकर की भी फ़ाइट हो चुकी है भाई जो कि टीम नंबर 2 में भी अभी हम, हाँ भाई एक्वा जोकर जो कि टीम नंबर 2 के बंदे थे, तो इनकी शायद पोचिंग की में फ़ाइट चल रही है। एसिड के साथ फ़ाइट चल रही, तो एसिड साइक्लोन पूरी तरह नॉक हो चुके हैं। SCF जेड पूरी तरह लो हैं। रोमांटिक फाइट का मुजाहरा भाई यहाँ पर, एक्वा इनके भाई एक्वा की टीम पूरी तरह वाइप किया अपने बंदों को।
आसानी से रिवाइव कर सकते हैं भाई। इनके पूरी टीम के बंदे अभी भी अलाइव हैं, मतलब तीन बंदे इनके नॉक पड़े, एसिड विजार ने पूरी स्क्वाड को वाइप किया, मतलब पांच के भाई एक किल तो लिया है इन्होंने, मतलब एसिड सोनिक, एसिड फाइटोन, एसजी एमजेड भाई इनके नॉक पड़े हुए हैं। बाकी फाइट और कहाँ चल रही है, तो भाई टीम नंबर 15 टीम नंबर 25 की तरफ चल रही है, जो कि एवीजी की टीम है। तो भाई यहाँ पर भी फाइट होने का चांसेस बहुत, मतलब काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर फाइट होने का चांस थोड़ा कम है। तो भाई रेड आशु की टीम को दिखाते हैं, जो कि दबंग फत्ते के, दबंग फत्ते और मुबारक भाई की टीम के सामने थी। तो अलाउद्दीन एजे यहाँ पर इनके शायद, हाँ भाई पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, तो रेड की टीम ने इन्हें आसानी से ख़त्म कर चुकी है। तो रेड के दो ही बंदे यहाँ पर, दो बंदे इनके गटका में लूट कर रहे हैं, मतलब 2v2 का मामला है भाई। देखते हैं यहाँ से कौन बच कर जा सकता है। तो टीम नंबर 21 जो कि क्रॉन शोएब, इनके साथ एवीजी के कुछ बंदे हैं, तो 19 के दो बंदे गटका में। तो टीम नंबर 18 इनके तरफ हाइड्रा यासीन की टीम इनके सामने जा रही है। तो भाई क्लोजिन तो शायद नहीं, क्लोजिन तो नहीं हुआ है, मतलब इनके बीच में फाइट होने का काफ़ी सारा चांस, मतलब दो बंदे 90s अकीब और 90s नहीं हाइड्रा यासीन भाई, दो बंदे इनके तरफ क्लोजिन कर रहे हैं, तो इनके बीच में फाइट होने का पूरा पूरा चांस है। तो 19s की टीम के बीच में फाइट हो सकती है फिलहाल। टीम नंबर 18 और 19 जो कि हाइड्रा यासीन और रेड की टीम के बीच में फाइट हो रही है। टीम नंबर 14 के सामने भी टीम नंबर एक बंद, टीम नंबर 14 भाई टीम नंबर एक की तरफ, मतलब टीम नंबर एक का बंदा भाई काफ़ी दूर, मतलब शायद टीम नौ उतरी थी भाई, नौ नहीं भी मिलती बेसी उतरी, मतलब ब्रिज से ड्रॉप की तरफ अटैक्ट हो रही है टीम नंबर वन। तो भाई टीम नंबर वन लेक्सा वेफर हाइड्रा फाइसो जी या जी स्टार नवीद और हल्क बिलाल इनके साथ हैं, और शायद टीम नंबर सेवन YMSTMZ ये भी आसानी से लूट करी, शूटिंग रेंज में लूट करी ये टीम, मतलब तीन बंदे इनके, मतलब शाहिद क्या नाम था भाई, शाहिद की निकर इनके काफ़ी दूर हैं। तो भाई रेड आशु के बीच में तो फाइट चल रही है, तो भाई ये मुबारक भाई और रेड की टीम के बीच में फाइट चल रही है, तो भाई यहाँ पर दिखाना तो बनता ही है। तो भाई रेड और नदीम, मतलब मुबारक भाई भी पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। तो रेड की टीम काफ़ी अच्छा खेलती है भाई, मतलब सिर्फ नदीम टीम नंबर एट से सिर्फ नदीम जुरेड जुरेड अभी तक अलाइव है, मतलब रेड के दो बंदे यहाँ पर, दो बंदे गटका में, शायद दो गटका में इनके दो बंदे ख़त्म नहीं। बट टीम नंबर 10 के बीच में डार्क सोल्जर के बीच में फाइट चल रही है, तो दिखाना है भाई। तो ही दो पे लेजेंड फ्लेक्स वार्म न्यूक्लियर टॉप क्लास इनके भी बंदे शायद यहाँ पर फाइट तो यहीं पर है भाई, वार्म न्यूक्लियर टीम नंबर 10 भाई टीम नंबर 10। वो बाकी बंदे कौन थे पता नहीं, पर अभी उन्होंने भाई 11 किल हो चुके हैं बंदे का ही बात है भाई, वार्म न्यूक्लियर के 11 किल हो चुके हैं भाई, काफ़ी सही खेल रहे हैं। मतलब टीम नंबर 24 के सामने टीम नंबर 21 काफ़ी क्लोजिंग कर रही है, तो भाई इनके बीच में भी फाइट हो सकती है, मतलब बहुत दूर हैं बंदे, मतलब क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं, मतलब आज हमारे जुबान से शायद मतलब की बात बहुत निकल रही थी। तो अमित भाई, अवेंजर, रॉयल मोया और शायद मुजू भाई, पूरी स्क्वाड बाकी है भाई, हमारी पूरी स्क्वाड, मतलब हमारी स्क्वाड के ही बंदे हैं, गलत ना समझें भाई कि कुछ हमारी स्क्वाड तो बार बार इन्हें दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनके बीच में कोई फाइट होगी, जिनके बीच में भी फाइट होगी उनको दिखाएंगे। ऐसी फाइट उनकी टीम जो कि स्कूल में आ चुकी है, इनके सामने भी शायद टीम नंबर 11 भाई टीम नंबर 24 भी इनके करीब, टीम नंबर 20 जो कि एसिड की टीम है, टीम नंबर 11 की अकेले बंदे यहाँ पर हैं। तो पीछे भी एक नज़र डाल लेते हैं ये करना, तो पूरी टीम भाई टीम नंबर 11 की पूरी टीम स्कूल अपार्टमेंट में अभी भी शायद लूट कर रहे हैं, कुछ बंदे टीपीपी ले रहे हैं। तो भाई स्कूल में और स्कूल के अपार्टमेंट तो काफ़ी क्लोजिंग, मतलब यहाँ पर फाइट हो सकती है। तो यहाँ पर भी दिखा लेते हैं, मिस्टर डैड शॉट इनके साथ हैं। टीम नंबर 9 के बंदे भाई जो कि नदीम 0808 अभी भी अलाइव हैं, मतलब रेड की टीम के साथ हैं। जो एसिड जो आप 19 रेड आशो अपने टीम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और टीम नंबर 18 जो कि टी 90s अकीब और रेड के जो दो बंदे यहां पर लूट कर रहे, तो इनके बीच में भी फाइट हो सकती है। टीम नंबर 13 से अब्दुल जो कि अकेले बंदे आए थे और अकेले ही ऑफलाइन पड़े हैं भाई, ऑफलाइन शायद निकल गए, मैं
रेड रॉस, जो कि लगभग ये भी ऑफलाइन लग रहे हैं, मतलब ऑफलाइन नहीं होंगे भाई, काफ़ी सही खेलती है ये टीम, तो भाई ऑफलाइन होने का कोई चांस नहीं बनता, अभी ऑफलाइन होंगे नहीं, ऐसी गलती नहीं है। रेड अब्दुल भाई अभी तक ऑफलाइन है और अभी तक अलाइव हैं। और टीम नंबर 18 हाइड्रा यासिन इनके करीब, रईस यरगट्टी इनके साथ हैं आज। तो रेड की टीम पूरी एक साथ हो चुकी है, तो भाई ये सब सारे चारों के चारों बंदे एक गाड़ी में अब टीम नंबर 18 की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब इनके बीच में फाइट हो सकती है। मतलब टीम नंबर 24 और टीम नंबर 10 भी काफ़ी करीब है। टीम नंबर 14 मिलिट्री बेस को आसानी से लूट करके अब जोन में जाने की कोशिश कर, हल्क बिलाल इनकी टीम नंबर 1 है, तो भी टीम नंबर 1 भी यहाँ पर शायद कितना भी इंटरनेट का, कितना भी फास्टर से इंटरनेट लो भाई, तो भाई थोड़ा बहुत ग्लिच हो ही जाता है। तो टीम नंबर 1 भाई यहाँ पर लूट करिए, इस एरिया का नाम तो हमें नहीं पता भाई, फॉरम भाई, फॉरम के कन्नड़ में होता तो कुछ अच्छी तरह बता सकते थे हम, रॉयल मोया। टीम नंबर 10 जो कि डार्क सोल्जर भाई, 11 किल कर चुके, क्या ही बात, 11 किल हो चुके हैं इनके, और अभी तक हम लोगों ने किल शॉट की टीम की तरफ नज़र ही नहीं डाला। किल शॉट की टीम है, किल शॉट मैग्नेट के 2 किल हो चुके हैं, मतलब टीम के 4 किल इनके स्कूल अपार्टमेंट में अभी भी लूट कर, इनके सामने भाई 80 विजार्ड की टीम, और इन्हीं के सामने भी टीम नंबर 11 भी यहीं पर है, यहीं पे लूट कर रही है। और डिफॉल्टर 7038 पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, तो भाई इनके एक बंदे ख़त्म हो चुके हैं, पूरे एसिड की पूरी टीम और किल शॉट की पूरी टीम और टीम नंबर 11 के 2 बंदे स्कूल अपार्टमेंट में फाइट चल रहे, तो काफ़ी किल शॉट अजर भाई नॉक हो चुके हैं, भाई किसके स्प्रे से नॉक हो चुके थे, M24 कौशिक ओपी नॉक हो चुके हैं भाई, इनका स्प्रे किसके गया हम नहीं देख पाए, तो मिस्टर डेड शॉट भी नॉक हो चुके हैं, SGMZ भाई काफ़ी अच्छा स्प्रे, SGMZ खुद भी नॉक हो चुके हैं, तो भाई इनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। और रोजक में भी एक टीम थी जो कि टीम नंबर शायद 24 थी, जो अमित भाई की टीम थी, तो वो भी भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकती है टीम। तो फिलहाल तो भाई फाइट यहीं पर चल रही, तो कैमरा एंगल यहीं पे बनाए रखते हैं। भाई महेश भाई की टीम भी यहीं पर अट्रैक्ट हो रही है, तो भाई TPP ले रहे हैं कहीं से, बंदे काफ़ी दूर हैं, मतलब अगर इन्हीं के पास अगर कोई बोल्ट एक्शन राइफल होगी तो भाई स्नाइपिंग कर सकते हैं, मतलब छोटी मोटी जो भी होने की AR की होगी, फिर SC क्या बोलते हैं उसको भाई, जो भी बोलते हैं भाई, अगर बोल्ट एक्शन राइफल होगी तो यहाँ पर यहाँ से स्नाइपिंग कर सकते हैं, मतलब नहीं तो इन्हें फाइट लेने के लिए क्लोज इन करना ही पड़ेगा। तो वो राउडी किंग के 3 बंदे टीम नंबर 11 से और टीम नंबर 15 के 4 बंदे अभी भी अलाइव हैं, मैग्नेट जो कि अभी अभी नॉक पड़े हैं, तो इनके सामने एसिड की भी टीम है, तो टीम नंबर 24 भी इनके सामने अट्रैक्ट हो सकती है। टीम नंबर 14 की बात कर लें तो भाई टीम नंबर 14 अभी तक सेफ है, तो टीम नंबर 7 भी इनके तरफ, MSDMJ भाई AB अपार्टमेंट के तरफ क्लोज इन कर रही है, तो भाई फिलहाल तो इनके टीम नंबर 24 और टीम नंबर 7 के बीच में, इनके बीच में फाइट हो सकती है, मतलब यहाँ पर 3 टीमें ऑलरेडी स्कूल अपार्टमेंट में फाइट कर रहे हैं, तो कोई जाने की कोशिश यहाँ पर नहीं करेगा, मतलब फाइट ख़त्म होने के बाद ही कुछ बंदे सोच सकते हैं कि यहाँ पर जाकर थर्ड पार्टी करने, मतलब 3 बंदों की फटी है। AVG की टीम भी रोजक आ चुकी है, रोजक में एक टीम ऑलरेडी 24, अब रॉयल मोया, अमित मुजू और एक बंदे अमित और अवेंजर भी इनके साथ हैं, तो रोजक में भी फाइट चल रही है और पीछे स्कूल अपार्टमेंट में भी फाइट चल रही है। तो कल से भाई मॉन्स्टर हमारे आ जाएंगे, शायद लगभग 99% हमारे मॉन्स्टर जो कमेंट्री करने के लिए आ जाएंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब कैमरा एंगल भी सही होगा, कमेंट्री भी सही हो,
सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा तो वो कल तक के लिए मतलब आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लें। हमारी कॉमन टीम में एसिड की टीम के बीच में भी फाइट चल रही, तो वो एसिड विज़ार्ड नॉक पड़े हुए हैं। किल शॉट की टीम मतलब बंदे अभी भी अलाव हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। एसिड की टीम सिर्फ एसिड की टीम स्कूल अपार्टमेंट में है। टीम नंबर 11 भी इनके साथ थी, तो टीम नंबर 11 पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। जो टीम नंबर 13 के बंदे काफ़ी देर से ऑफलाइन थे, जो ऑनलाइन आ चुके हैं मतलब जोन के बाहर हैं, तो इनका बचना काफ़ी मुश्किल है। तो टीम नंबर 7 भाई टीम नंबर 4 की शायद टीम नंबर 4 के काफ़ी करीब है, तो इनके बीच में भी फाइट हो रही है। जो कि अहमद मुल्ला की टीम है, K22 स्टॉर्म इनके साथ थे, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। सिर्फ अहमद मुल्ला इनके अभी भी अलाइव हैं। तो यह GMZ 1v4 का मामला 1v3 का हो सकता है। वो एक बंदे इनके ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, 97 बंदे हैं तो एक बंदे पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं भाई। इनके 3 1v3 का मामला है, तो नहीं लगता भाई कि 1v3 हो जाएगा। नेट करने का प्रयास था मतलब नेट काफ़ी दूर, तो सारे के सारे बंदे अभी भी सेफ हैं टीम नंबर 7 के। तो भाई देख लो अहमद मुल्ला भी पूरी तरह ख़त्म, तो यहाँ की फ़ाइट टीम नंबर 7 ने जीत ली है। तो टीम नंबर 14 भाई काफ़ी यहाँ पर थी, पर टीम नंबर 14 की तरफ एक बार नज़र रखते हैं, जो कि मुज्जू भाई। काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं भाई मुज्जू भाई की, तो मुज्जू भाई के फाइट किल शॉट के साथ होने वाली है। यूनिटी के स्क्वाड के साथ फ़ाइट होने वाली है, तो भाई देखते हैं बंदे कब आ गए भाई यहाँ पर। अभी अभी तो स्कूल अपार्टमेंट में थी किल शॉट की टीम, और अभी यसनाया में आ चुकी थी। यसनाया टीम नंबर 14 ऑलरेडी यहाँ पर अपना स्पॉट बना चुकी है। तो वही फाइट यहाँ पर तगड़ी फाइट होने वाली, किल शॉट और टीम नंबर 14 जो कि यूनिटी आफ्ताब की टीम है। कल इनकी फाइट SGMZ, तो यूनिटी मुझे नॉक हो चुके हैं भाई। यूनिटी से हमें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। किल शॉट अज़र जो कि काफ़ी लो है मतलब 0 HP हैं, अपने आप को रिवाइव हीलिंग कर रहे हैं भाई। जुबान फिसल जाती है, थोड़ा माफ़ कर देना क्योंकि कमेंट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेक्टेटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भाई एक आफ्ताब भी काफ़ी लो है, 0 का लगभग 0 HP। टीम नंबर 18 अभी भी जोन की तरफ आ रही है, तो टीम नंबर 24 भी जोन की तरफ आने की कोशिश करेगी। डार्क सोल्जर की टीम जो कि जोन में है सेफ, 20 टीम नंबर 20 भाई रेड की टीम के बंदे, एक बंदे रेड स्मोकर पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, वो भी जोन में आने की कोशिश कर रही है। तो भाई गाड़ी है इनके पास, तो आसानी से जोन में आ सकते हैं। टीम नंबर 15 जो कि टीम नंबर 11 के साथ फाइट ले रही थी, किल शॉट अज़र फिर से नॉक हो चुके हैं। जॉर्जो नहीं भाई, ये यसनाया के अपार्टमेंट है, यसनाया के अपार्टमेंट में फॉल बैक कर चुकी है टीम इनकी। तो काफ़ी करीबी मामला है भी यूनिटी आफ्ताब की टीम इनके सामने। यूनिटी की एक बंदे गाड़ी लेकर आ रहे हैं, मतलब नीचे ही होंगे। माँ यूनिटी सैम जो कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, शायद ऑफलाइन तो नहीं, ऑफलाइन तो नहीं है, अपने बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद जोन में जाना चाहते हैं या फिर अपनी लोकेशन बदलना चाहते हैं बंदे। तो किल शॉट की मैग्नेट किल शॉट की टीम नंबर 10 के बीच में फाइट चल रही थी। डार्क सोल्जर फिर से नॉक हो चुके हैं। इब्बू हटेला भाई इनका नाम है, इब्बू हटेला जिन्होंने इन्हें नॉक किया, इनका नाम है इब्बू हटेला। तो कहाँ है भाई इब्बू हटेला? तो ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं भाई, तो वो पता चल जाएगा कि इब्बू हटेला कहाँ पर हैं। तो टीम नंबर 14 मतलब हल्क बिलाल एक ही अपने स्क्वाड से एक ही बंदे बाकी हैं, और नौ टीम नंबर 9 जो कि जॉर्जो सिटी में इनकी फाइट चल रही थी। तो एक अकेले मुबारक भाई GF इसाक अलाउद्दीन एजे जॉर्जो सिटी में ही ख़त्म हो गए, तो ये अकेले बंदे बाकी हैं। और टीम नंबर 10 से एक बंदे ख़त्म, तो तीन बंदे इनके बाकी। टीम नंबर 14 की पूरी स्क्वाड अभी भी अलाइव, टीम नंबर 15 की पूरी स्क्वाड अभी भी अलाइव।
90s अकीब हाइड जो कि रईस है गट्टी के साथ टीम नंबर 18, इनके भी भाई एक बंदा ख़त्म हो, तीन बंदे अभी बोला रेड आश, जो रेड आशु की टीम थी जो रेड स्मोकर, इनके अकेले ख़त्म है, तो तीन बंदे अभी भी। एसिड की टीम के चार बंदे अभी वाला हैं, एवीजी की पूरी स्क्वाड, बाकी आईएनडी मुज्जू के जो कि चार किल हो चुके हैं, तो भाई इनके भी स्क्वाड अभी भी पूरी स्क्वाड अलाइव है, तो भाई एवीजी लक्की जिनके जीरो किल अभी भी उनकी स्क्वाड, बाकी एसिड सोनिक जो कि आठ किल हो चुके हैं, टीम नंबर 20 के बीच में फाइट चल रही है, तो भाई टीम नंबर 20 देखते हैं किस टीम के साथ अट्रैक्ट हुई, तो टीम भाई जब तक हम इन्हें के सामने कैमरा एंगल ले जाएं तब तक तो इनकी फाइट ही खत्म, मतलब हल्क बिलाल इनके सामने है, तो हल्क बिलाल 1v4 का मामला है, तो भाई 1v4 काफ़ी मुश्किल होता है, तो देखते हैं हल्क बिलाल अगर 1v4 कर पाते हैं, तो टीम के पांच किल हल्क बिलाल के, एक तीन के तीन बंदे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो भाई अकेले 1v4 का मामला है, तो बंदा जोन के भी काफ़ी दूर, टीम नंबर 18 और टीम नंबर 24 के बीच में फाइट चल रही है, तो भाई देखते हैं यहाँ की फाइट कौन जीते हैं, यसनाया के एक अपार्टमेंट से फाइट निकली एवीजी लक्की जो कि क्रॉन शोएब के साथ है, और टीम नंबर 24 के बंदे अभी भी चारों अलाइव हैं, तो इनके साथ इनकी फ़ाइट हो रही है, तो भाई टीम नंबर 15 यहाँ से निकल चुकी है कहीं और, तो तौकीर ओपी तौकीर वार्म न्यूक्लियर की टीम इनके सामने है, तो भाई आई एम यूनिटी की टीम से एक बंदे पूरी तरह ख़त्म जो कि यूनिटी मौजूद है, यूनिटी सैम अभी नॉक पड़े हुए हैं, यूनिटी आफ्ताब जो कि अपने एक बंदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही है, तो भाई वारम न्यूक्लियर है इनका एक बंदा, टीम एस बी निज़ाम तो पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, और दो बंदे इनके अभी भी एक नेड भाई इनके पूरे स्क्वाड को वाइप कर सकता है, मतलब इतने आइडिया तो ऐसी इंटेंस फाइट के टाइम नहीं आ सकती, तो भाई इनके बीच में भी फाइट चल रही है, यूनिटी की टीम पूरी तरह ख़त्म है, तो ही दो पीक जो कि काफ़ी अच्छा स्प्रे था इनका, तो एक बंदे को खो चुके हैं, तो तीन बंदे अभी भी लटती है, इनके 22 किल भाई क्या ही बात हुई, तो ही दो पी डार्क सोल्जर वारम न्यूक्लियर इनके 22 किल हो चुके हैं, आई इंडिया अमित इनके सामने है अभी, और किल शॉट की टीम के बीच में भी फाइट चल रही, तो भाई तो भाई एसिड की टीम के 13 किल हो चुके हैं, तो भाई किल के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, तो किल फिलहाल तो फाइट चल रही, तो फाइट के ऊपर नज़र डालते हैं, तो भाई एक एसिड की टीम जो कि जोन का लगभग छोटा हो चुका है, तो काफ़ी सारी टीमें क्लोज इन कर चुके हैं, तीन टीमें अभी भी बाकी, भाई तीनों बंद क्या ही बात है भाई, हल्क बिलाल अभी भी अलाइव हैं भाई, काफ़ी देर से ऑफलाइन थे बंदे जो जोन में आकर प्रोन हो चुके हैं, अभी तक किल शॉट की टीम के चार बंदे अभी भी अलाइव, किल शॉट अजर जो कि 0 HP इनके सामने, डार्क की टीम थी तो शायद डार्क की टीम पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं, एसिड की टीम और टीम नंबर 24 की बाकी के मैच भाई खामोशी से थोड़े स्पेक्टेट कर लेते हैं, क्योंकि
कमेंट्री में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो खामोशी से एक्सपेक्टेड कर रहे थे। आखिरी की जो फाइट बची हुई थी, तीन बंदे अब, तीन टीमें अभी वाला, टीम नंबर 24 भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो देखते हैं भाई आखिरी किल, जिस जो भी बंदा आखिरी किल करेगा उसको 10 UC मिलेंगे। वही 10 UC मतलब 20 किल करने का जो हमारा रिवार्ड था, वो फिलहाल के लिए स्टॉप किया है। मतलब हमारा एक वेबसाइट का प्रॉब्लम हो गया कि 24 आवर में सिर्फ एक बंदे को हम रिवार्ड दे सकते हैं। तो एक बंदे को रिवार्ड देने के बाद अगला रिवार्ड हम 24 आवर के बाद में दे सकते हैं, तो इसलिए भाई वेबसाइट का प्रॉब्लम है। जो 20 किल करने पे जो हम पूरी स्क्वाड जितने बंदे अलाइव होते थे उनको 10 UC देते थे, उसका जो रिवार्ड हम लोगों ने स्टॉप किया है सिर्फ 1-2 दिन के लिए। जैसे वेबसाइट हमारी क्लियर हो जाएगी तो वो रिवार्ड फिर से स्टार्ट होगा। हम लोगों ने स्टॉप मतलब फिक्स स्टॉप नहीं किया है, बस कुछ दिन के लिए, जब तक वेबसाइट हमारा जो रिवार्ड देने वाला वेबसाइट है वो क्लियर हो जाएगा तो फिर से वो रिवार्ड हमारे स्टार्ट होगा। 700 सब्सक्राइबर तो हमारे हो चुके हैं और 31 अगस्त को होगा रॉयल पास का गिवअवे, जिसमें आपको मिल सकते हैं 900 UC। अगर आप चाहते हैं 900 UC तो हम आपको 900 UC का रिडीम कोड दे देंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ 600 ही चाहिए हमें रॉयल पास दे दो, तो हम आपको रॉयल पास दे देंगे। तो दो ही टीम अलाई भाई, किल शॉट और एसिड दोनों के बीच में फाइट, तो काफ़ी इंटेंस फाइट का मुजाहरा हो रहा है। तो भाई टीम से देखते हैं आखिरी किल किसका होता है। अगर आखिरी किल जिस बंदे का भी होगा तो अपनी प्लेयर वाली आईडी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम उनके अकाउंट में 10 UC का रिवार्ड, काफ़ी अच्छा नेट किया था, पर नेट काफ़ी दूर था। तो किल शॉट मैग्नेट ने एसिड विजार्ड को नॉक कर दिया, वो पूरी तरह ख़त्म करेंगे। तो एसिड सोनिक अकेले इनकी टीम से बचे हैं। तो भाई आखिरी किल किसका, एसिड अजर, किल शॉट अजर का था भाई आखिरी किल। देखने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो भाई आखिरी किल जिस बंदे का भी था तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम उनके अकाउंट में 10 UC का रिवार्ड डाल देंगे। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं कल फिर 9 बजे को सेम चैनल पे, सेम कस्टम रूम में। सेम कस्टम रूम आईडी, रूम आईडी और पासवर्ड तो चेंज होगा, तो कल 9 बजे तो मिलते हैं। तो भाई थैंक यू भाई।